हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार अब खत्म हुआ है। आपको बता दें, कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। शुक्रवार को ही कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट को जुलाना सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें, पहली लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अधिकतर सिटिंग विधायकों को टिकट मिला है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को होडल सीट से टिकट दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई, कुलदीप वत्स को बादली और सुरेंद्र पवार को सोनीपत सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। लिस्ट में 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें रेवाड़ी से लालू प्रसाद यादव के दामाद और कांग्रेस के सिटिंग विधायक चिरंजीव राव पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव हारने वाले महेंद्रगढ़ के सिटिंग विधायक रावदान सिंह को महेंद्रगढ़ से एक बार फिर टिकट मिला है। इस तरह कांग्रेस की पहली लिस्ट में 27 सिटिंग MLA, 2 बाहर से आए विधायक, एक अन्य टिकट अविनेश फोगाट को मिला है। पहली लिस्ट में कुमारी शारजा के करीबी 4 सिटिंग MLA को टिकट मिला है। पर अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के द्वारा विधानसभा चुनाव में उतारे गए धुरंधर क्या कांग्रेस को विजयी बना पाएंगे। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।